मेरी एक हेल्प कर देंगे आप? क्या हुआ भाई साहब? अभी मैं रास्ते से जा रहा था तो एक स्नैचर मेरा बैग मेरा फोन सब छीन के भाग गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सारी सोसाइटी में कितनी बार आप अकेले इंसान देखे। एक कॉल कर सकता हूँ आपके फोन पर? मेरा फोन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको नंबर बता देता हूँ। आप सीरियसली भैया यहाँ से आ रहा था, प्रॉब्लम हो गई जा रही है। ले लो। हाँ जी भैया, एक मिनट। हेलो, हाँ सुनो यार, रास्ते में ना मेरा फोन चोरी हो गया। अरे नहीं यार, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तो एक भले मानस मिल गए, उनके फोन पे कॉल कर रहे हैं। बस ऐसे चोरी नहीं हो। अच्छा सुनो यार, मैं ना एक पीछे साइड वाली मोड़ पर हूँ, बंगला नंबर है, क्या नाम है? अरे 1719। हाँ वाले बंगले, 1719 वाले बंगले पे तो मुझे मिल जाए। ठीक है ठीक है, बता सकते हैं कि ये 80,000 रुपए गए कहाँ? आपके इसका कोई आइडिया नहीं? नहीं सर, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं सर। आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्या पता मैप ना कर सकूँ या फिर कोई EMI वगैरह नहीं सर। मैंने इनसे पूछते हैं, उन्होंने कभी नहीं पे किया और मैंने भी EMI पे नहीं करी है। 80,000 की EMI कौन पे करता है सर? आप याद करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ रास्ते में आते वक्त मैंने एक आदमी की हेल्प करी थी, उसका फोन और पर्स चोरी हो गया था। तो बस वही जगह आपने अपने आदमी की हेल्प करी थी? हाँ, क्या मुझे जानते हैं? नहीं, वो रास्ते मुझे मिला। तो सर वो फोन आपने ही किया था? हाँ सर, वो मैंने खुद ही फोन किया था। मुझे पता है कि आपके लिए फ्रॉड हो गए, पता है कि मैं फॉरवर्ड नंबर कॉल लगा कर चले जाता। मैंने इसीलिए खुद नंबर डायल करके उसको लिया। सर मैं आपका सर, ये अमाउंट डिडक्ट होने से पहले आपके पास एक OTP आया हुआ है, आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? मकान नंबर था ये? अच्छा सुनना यार, मैं ना वो पीछे साइड वाली रोड पर, वो बंगला नंबर है ना, उसका क्या नाम है? अरे 1719। हाँ उस वाले बंगले का मतलब इंस्पेक्टर किया। इंस्पेक्टर?
सर कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपना पैसा वापस ले लेंगे। बहुत चलाक होते हैं, ये गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं और उनके अकाउंट में सारे पैसे छुपाते हैं, और जैसे उनका काम हो जाता है तो अपने पैसे निकाल के खड़ा हो जाते हैं। अब ये गरीब लोग भी 500,000 रुपये के चक्कर में अपना अकाउंट में हमारी फायदा की बहुत मेहनत कर रही है, हो सकता है जल्दी कोई ना कोई उपाय चला है सर, उनका टिकट बहुत खराब हो गया है। तो अब डिस्ट्रॉय करके ही बाहर फेंकना। जी सर, मैं ध्यान रखूंगा इसका, बाकी जैसा भी आपको।